नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 13.1 का दूसरा प्रश्न हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, कोई बर्तन एक खोखले अर्ध गोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। बच्चों, खोखले का मतलब अंदर से खाली है। वो अर्ध गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, सबसे पहले तो आप आकृति के माध्यम से समझिए कि ये प्रश्न है क्या। देखिए, सबसे पहले इस प्रकार का एक अर्धगोला नीचे पड़ा है बर्तन पे, ठीक है, जैसे कि आपके घर की कटोरी होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद इस अर्धगोले के ऊपर एक बेलन पड़ा है, ठीक है बच्चों। तो मान लेते हैं कि जैसे एक कटोरी के ऊपर आपकी पानी की बोतल पड़ी हो ना, वैसा कुछ, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। अब इसको ध्यान से समझना, अर्ध गोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर, ये है अर्ध गोला, ये है इसका व्यास, यह है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी बच्चों, 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई है, 7 सेंटीमीटर। और यदि यह त्रिज्या यहां से 7 है तो यह भी 7 होगा, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक यह भी 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है बच्चों। और बर्तन की कुल ऊंचाई, यानी यहां से लेकर और यहां तक यह जो कुल ऊंचाई है, यह है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, 13 में से यह 7 निकाल दो तो यह बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 6 सेंटीमीटर। हमने ये थोड़ा सा छोटा बना दिया, कोई बात नहीं। अब बच्चों, आप इसको ध्यान से समझना, देखो, आशा करता हूं ये आपको दिखाई दे रहा है। हाँ देखो बच्चों, ये है एक अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये ऊपर क्या है, एक बेलन, बेलन में इसकी त्रिज्या जितनी अर्धगोले की त्रिज्या है उतनी ही बेलन की भी त्रिज्या होगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, जितनी ये ऊंचाई है, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो आइए, हमें निकालना है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए निकालते हैं हम बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे बच्चों, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह बच्चों किसके बराबर होगा, यह नीचे जो अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह प्री और क्षे का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यह पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों कौन सा होगा, क्योंकि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुई, अंदर वाले की, तो सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यह भी होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और यह भी होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए अब इसे हम इसे निकाल कर देखते हैं। देखिए बच्चों, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो अब हम इसमें से देखते हैं, देखिए यहां 2 है, हमें पता है रेडियस जो है दोनों में सेम है, इसकी त्रिज्या भी 7 है, इसकी त्रिज्या भी 7 है। अब हम इसको वैल्यूज भरते हैं इसमें, पहले यह है 2 गुना पाई, पाई की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो आपने 22/7 लेनी है। यदि पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी कि तो आपको वही लेनी पड़ेगी जो आपको वैल्यू दी हुई है, अभी नहीं दी हुई तो हम पाई की जगह लिख रहे हैं 22/7 गुना आर स्क्वायर। रेडियस कितना है, देखो अर्धगोले का, अर्धगोले का रेडियस यानी त्रिज्या आई थी 7 सेंटीमीटर, 7 गुना 7 प्लस, अब आ गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह है 2 गुना पाई, पाई है 22/7 गुना आर, आर कितना है बच्चों 7 गुना एच, एच बेलन का हाइट, बेलन की हाइट कितनी आई है 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि कुल
खिलौने की सॉरी कुल बर्तन की ऊंचाई थी 13, उसमें से ये है 6, 7, तो ये हो जाएगी 6, ये आ गया 6, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ये इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आइए अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 को ले लो कॉमन, 22/7 यहां भी है, 22/7 यहां भी है, 22/7 को भी ले लो कॉमन, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 को भी ले लो कॉमन। तो देखो बच्चों बाकी क्या बच गया, 2 बाहर चला गया, 22/7 बाहर चला गया, 7 बाहर चला गया, बाकी क्या बच गया, इस पूरी रकम में से बाकी क्या बच गया, सिर्फ ये 7 बच गया, प्लस प्लस का निशान है तो प्लस, 2 बाहर चला गया है, 22/7 बाहर चला गया है, 7 बाहर चला गया है, बाकी क्या बच गया बच्चों, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अब हम इसे हल करेंगे। देखिए बच्चों 7 से ये 7 कट गया, तो हमारे पास रह गया 2 × 22 = 44 गुना 7 + 6 = 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों 44 को यदि 13 से गुना कर दें तो 13 × 52 2 हासिल आया 5, 13 × 52 = 57 तो ये आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों क्या आया है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, यानी यही हमारा उत्तर है। तो हम लिख देते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए हमने देखा एक अर्ध गोले के ऊपर एक बेलन है, यानी जैसे एक मान लो कटोरी के ऊपर उतनी ही त्रिज्या वाली एक बोतल रखी हुई है। तो हमने देखा जितनी अर्ध गोले की त्रिज्या थी उतनी ही बेलन की त्रिज्या होगी, कुल ऊंचाई 13 थी, उसमें से त्रिज्या निकाल दो, क्योंकि त्रिज्या जो है यहां से यहां भी होती है और यहां से यहां भी तो होती है ना, तो ये दूरी आ गई 7 सेंटीमीटर, तो बाकी दूरी कितनी रह गई 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने देखा कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, जितना इस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा प्लस जितना इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हमने यही लिखा, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr² और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πrh। इन्हें हमने आगे हल कर दिया तो हमारे पास बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहां पर अन्य प्रश्नों को समझ सकते हैं और उन्हें अपनी नोटबुक्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।